इंजीनियरिंग के फोर्थ ईयर में एक टीचर ने फ्रस्ट्रेशन में आके मुझसे कहा था कि मंगेश तुझे कोई भी कंपनी 10,000 दे के भी हायर नहीं करेगी। उसी टीचर का मुझे लास्ट वीक में फोन आया था फॉर द इनविटेशन एज अ गेस्ट टू गाइड देयर स्टूडेंट्स एंड दैट कॉल मेड माय डे। आज का वीडियो डेडिकेटेड है उन सारे बैक बेंचर्स के लिए जो दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इनके खुद के माँ बाप भी इन पर भरोसा नहीं करते। अगर आपके भी आपके बैक बेंचर दोस्तों के साथ कोई किस्से हैं तो कमेंट में जरूर बताना। मैं उन किस्सों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके नाम भी मैं मेंशन करूंगा। और ये वीडियो हर उस बैक बेंचर तक पहुंचना चाहिए जिनकी वजह से आपका कॉलेज लाइफ ढासू था। यार वो भी क्या दिन थे, हॉस्टल में रहने वालों के गमले में खुद के बगीचे होते थे, यू नो व्हाट आई मीन, बिखरे हुए बाल, बिंदास एटीट्यूड, एग्जाम का घंटा कोई टेंशन नहीं, ऐसे कुछ रहते थे हम बैक बेंचर्स। बाकियों की हर सब्जेक्ट की अलग कॉपी होती थी और हमारे एक कॉपी में ही सारे सब्जेक्ट समाते थे। टीचर का डांटना, इज्जत निकालना, ये सब तो हमारे लिए एकदम नॉर्मल था। मार्क्स के मामले में हमने कभी भी लालच नहीं किया, सिर्फ पास हो जाए इतनी ही ख्वाहिश होती थी। लास्ट बेंच मतलब हमारा किचन और बेडरूम दोनों था, जहां हम खाते भी थे और सोते भी थे। साल में दो बार घर वालों से बेइज्जती और अगर किस्मत ज्यादा ही खराब रही तो पिटाई पक्की थी। पर एक वक्त के बाद इसकी भी आदत हो गई थी। एग्जाम्स की तो पढ़ाई रेफरेंस बुक से शुरू होती थी और जेरोक्स पे आके खत्म होती थी। और एग्जाम्स में जब कुछ नहीं आता था तो साला हम खुद ही ऑथर बन जाते थे। पेरेंट्स की साइन तो उनसे भी अच्छी करते थे। एग्जाम्स का तो एक अलग ही सीन था, पढ़ाई से ज्यादा कॉपी कैसे करनी है, सीट कौन से मिलेगी, और तो और सबसे इंपॉर्टेंट टीचर कौन सा आएगा, इसकी सबसे ज्यादा टेंशन होती थी। सबमिशन का जुगाड़ तो अलग ही था, फाइल किसी और की और नाम किसी और का होता था। क्लास में ना जाने के बाद भी हम प्रेजेंट रहते थे क्योंकि हम प्रॉक्सी मारने में जो एक्सपर्ट थे। जब किसी लड़की के साथ डेट पे जाना होता था तो शर्ट किसी एक की, शूज दूसरे के और गाड़ी किसी तीसरे की होती थी, और उसमें भी हम खुद को नवाब समझते थे। भाई वो भी क्या दिन थे, क्लास के माफिया हम लोग ही थे क्योंकि हमारा ग्रुप नहीं था, हमारी गैंग थी जिनसे हर एक स्कॉलर की फटती थी और इसका बदला वो लोग फाइनल के सबमिशंस में लेते थे। उस वक्त टीचर से लेके पेरेंट्स तक हर कोई बोलता था कि बॉस इनका कोई फ्यूचर नहीं है। पर आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो उन्हीं बैक बेंचर्स में से 80% लोग या तो बिजनेस में है, कुछ पॉलिटिक्स में है और कुछ खुद का स्टार्टअप चला रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज डूइंग गुड एंड दैट इज बिकॉज ऑफ देयर साइड हसल अपार्ट फ्रॉम द स्टडी। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज से लेकर हर बंदे को अपना साइड हसल करना चाहिए ताकि जब कॉलेज खत्म हो तो कहीं पर जॉब मांगने की जरूरत ही ना पड़े। ये कैसे करना है, ये क्या होता है, इसके ऊपर एक बेस्ट बुक है जिसका नाम है साइड हसल, जो कि आप पढ़ भी सकते हैं और कुकू एफएम पर इसकी ऑडियो बुक समरी भी सुन सकते हैं। दोस्तों कुकू एफएम पर ऐसी कई सारी ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज आपको मिल जाएगी जो लिटरली आपकी जिंदगी बदल सकती है। इससे आप जब भी मन करे तब सुन सकते हैं। इसके पूरे एक साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आपके एक लंच के कॉस्ट से भी कम है। और अभी 21 मई से 31 मई तक एक्सक्लूसिव लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है। यहाँ अगर आप सुनो 50 इस कूपन कोड को यूज करते हो तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो यार देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और चेक करो। दोस्तों आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि टॉप मल्टीनेशनल्स के सीईओ से लेकर पॉलिटिक्स के नेताओं तक और नेताओं से लेकर उनको आशीर्वाद देने वाले बाबाओं तक साले 99% लोग बैक बेंचर्स ही होते हैं। इनमें ऐसी क्या चीज, ऐसी क्या बात होती है कि दुनिया को भी अपने आगे झुका देते हैं। इसके पीछे ये तीन रीजंस हैं जो मैंने हर बैक बेंचर के अंदर नोटिस किए हैं। नंबर वन, नो फियर ऑफ फेलियर। फेल होना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती क्योंकि इतने फेलियर्स के बाद इनको इसकी प्रॉपर आदत हो चुकी होती है। इसलिए जहां आम लोग कोई भी काम करने से पहले डरते हैं कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, और कई बार तो उस डर से उस काम को करते ही नहीं है, पर बैक बेंचर्स यहां इतने टफ हो चुके होते हैं कि फेल होने से उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आपको मेरी खुद की एक कहानी बताता हूँ। मैं जब स्कूल में था तो आई वॉज वेरी गुड स्टूडेंट, मतलब बैक बेंचर ही था, पर पढ़ाई में अच्छा था, कभी फेल नहीं हुआ था। 11th 12th में मार्क्स 80 से 60 पे आ गए और जब इंजीनियरिंग में आया तो पहली बार एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, बहुत दुख हुआ। पर उसके बाद ऑलमोस्ट हर सेमेस्टर में 2 से 3 सब्जेक्ट में फेल होने लगा और इसकी वजह से पहले जो फेल होने के बाद दर्द होता था वो भी खत्म हो गया। घर वालों की इतनी डांट खाई थी कि अब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था और इसीलिए मैं जो मुझे अच्छा लगता था वही करता था, क्योंकि गालियां तो ऐसे भी मिलती थी और वैसे भी मिलती थी। और इस चक्कर में मैंने सेकंड हैंड कार्स बेची, उसके बाद फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया, दोनों फेल हो गया तो कंसल्टेंसी स्टार्ट की, उसके बाद फार्मर्स के लिए यूट्यूब जैसा एक प्लेटफॉर्म बनाया पर उसमें भी फेल हो गया, एक व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट सर्विस स्टार्ट की थी वो भी नहीं चली, और यहां तक आते आते फेलियर से एकदम तगड़ा रिश्ता बन चुका था। इसकी वजह से उसके बाद जो भी किया फेल होने का कभी डर ही नहीं लगा, और शायद इसी लेगेसी की वजह से आज कोई भी नई चीज करने से फटती नहीं है। नंबर टू, लोग क्या कहेंगे, डोंट केयर। मस्ती करने वाले बच्चे, मतलब इनका कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा मुझे कई बार सुनना पड़ा है। बैक बेंचर्स के बारे में कभी कोई अच्छी बात करता ही नहीं है।
इसकी वजह से एक टाइम के बाद लोग क्या कहेंगे इससे उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे लोगों को इनसे कोई उम्मीद नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही इनको भी लोगों से कोई उम्मीद नहीं होती कि हर कोई हमको अच्छा ही बोले। और इसी रीजन की वजह से ये लोग वही करते हैं जो इनको करना अच्छा लगता है। ये कभी भी किसी के दबाव में आकर कोई भी चीज नहीं करते, और शायद इसीलिए ये जो भी करते हैं उसमें खुश रहते हैं और उसमें कामयाब भी होते हैं। नंबर 3, दे कैन सर्वाइव इन एनी सिचुएशन। लास्ट मिनट में सब करने की आदत की वजह से ये लोग अंडर प्रेशर में भी परफॉर्म करना जानते हैं। लोगों से कनेक्शन बनाने में ये बहुत माहिर होते हैं, क्योंकि किताबों से ज्यादा ये लोगों को समझते हैं, उनसे कैसे काम निकलवाना है ये भी उनको अच्छे से आता है। कोई नहीं माने तो साम दाम दंडभेद भी इनको पता है। इन शॉर्ट, इतनी सारी बेइज्जती, इतने सारे कांड करके ये लोग इतने टफ हो चुके होते हैं कि कोई भी सिचुएशन से इनको डर नहीं लगता, और शायद इसी वजह से हर एक सिचुएशन में ये लोग सर्वाइव करने की ताकत रखते हैं। दोस्तों याद रखना, सिचुएशंस कभी भी आसान नहीं होगी, बल्कि वक्त के साथ आपको टफ होना पड़ेगा। इसलिए स्कूल कॉलेज में पढ़ाई भी करो, पर थोड़ा ये बैक बेंचर्स एटीट्यूड भी अपने अंदर लेके आओ, क्योंकि अगर दुनिया से भिड़ना है, कुछ उखाड़ना है, तो आम बन के कभी नहीं होगा। आपको टफ होना पड़ेगा, आपको खुद को टफ करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर इस पापी वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो बैक बेंचर्स एटीट्यूड इज मस्ट।